नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी की 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही पार्टी में फिर एक बार चिट्ठी बम फूटा है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखी गई चिट्ठी में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग से एक दिन पहले ही सदस्यों को दिल्ली बुलाने पर आपत्ति जताते हुए उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की गई है जो सदस्यों को मीटिंग से एक दिन पहले दिल्ली बुला रहे हैं। अमृतसर से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अशोक तलवार की ओर से यह चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि उन्हें दिल्ली से कई फोन और संदेशों के जरिए 28 मार्च को होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले ही दिल्ली आने के लिए कहा गया है। उनके मुताबिक फोन करने वालों का कहना है कि एक दिन पहले सदस्यों ने स्वराज आदि मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। और तलवार ने यह भी कहा है कि फोन बार बार आ रहे हैं और फोन करने वाले कह रहे हैं कि आप कन्फर्म करें कि आ रहे हैं ताकि रहने और खाने की उनकी सुविधा की जा सके। उन्होंने चिट्ठी में 6 लोगों के नाम लेकर उनकी जांच और उन पर कार्रवाई की भी बात कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये लोग पार्टी को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। मैंने एक लेटर लिखी है अरविंद भाई को, तो उसमें कहा है कि 28 तारीख को नेशनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले एक प्रयास चल रहा है। काफी देरों से फोन पे बात हो रही थी, अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, क्यों करवाई जा रहे हैं उनकी तरफ से फोन, कौन करवा रहा है, कोई दूसरी पार्टी से है जो दिल्ली के इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी की विजय को देख के बिल्कुल हैरान है, तो इस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहती है, या पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी जिस मुकाम में जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरों की मदद से रोका जाए। आपने कुछ नाम भी मेंशन किए उसके अंदर? ये तो मैंने लेटर का मामला है, मेरे पास लेटर है, मैं आपको दिखा सकता हूं। हाँ, तो मेरे को कुछ लोग हैं उसमें, अजय आपके पास लेटर है तो उस पे कुछ लोग हैं, तो मैंने इशारा किया है उनकी तरफ कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो मीटिंग कॉल करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों एक दिन पहले बुलाने का मकसद क्या है। और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केजरीवाल के करीबी संजय सिंह से बात की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी उठापटक बढ़ती जा रही है। बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। संजय सिंह जी, एक और चिट्ठी सामने आई है, एनसी के सदस्यों को पहले से बुलाया जा रहा है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये पार्टी के अंदर कौन कर रहा है? अब मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं आप उनसे पूछें, ये सवाल मुझसे करना उचित नहीं होगा। लेकिन जब 28 तारीख के लिए पूरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो उसके पहले अलग से कोई बैठक करना, इसका क्या उद्देश्य है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इस तरह की कार्रवाइयों से गलत संदेश जाता है, गलत मैसेज जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार एनसी के कई सदस्य कह रहे हैं कि उनसे संपर्क किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कई लोग खुल के सामने भी आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने लेवल पर ये पता करवाने की कोशिश की कि कौन कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये समझना होगा कि किस मकसद से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, किस वजह से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हमारा इरादा पार्टी के अंदर डिवीजन करने का है या तोड़फोड़ करने का है या उस नियत से मीटिंग अगर बुलाई जा रही है तो ये तो फिर बहुत ही गलत बात है। आपको 28 तारीख को का इंतजार करना चाहिए, 28 को जब मीटिंग सबकी बुलाई गई उस दिन सारे लोग इकट्ठा हों, अपनी बात कहें, जैसे राष्ट्रीय परिषद में जो एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा करें, यही होना चाहिए था। कुछ लोगों का यहां तक आरोप है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये जो पूरी कवायद है ये अरविंद केजरीवाल को ही बाहर करने के लिए की जा रही है कि उन्हें ही पार्टी से बाहर किया जाए। अब इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल एक सर्वमान्य नेता हैं आम आदमी पार्टी के। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार करके और ये कहा है कि भाई आप राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम करते रहिए। जब दूसरी बार 4 मार्च को फिर मीटिंग हुई, फिर उसमें भी यही प्रस्ताव पारित हुआ, तो मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार की नई बात अपनी ओर से पैदा करना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल ये एक नई शुरुआत पार्टी के अंदर एक डिवीजन की मानी जाएगी, तो इस राय से तो कोई भी सहमत नहीं होगा मुझे लगता है। आपने बहुत कोशिश की बाकी नेताओं के साथ मिलके, आप लोग योगेंद्र यादव के घर भी गए, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने बहुत कोशिश की, और लगे रहे हफ्ते 10 दिन जितना बात हो सकती थी, जितना कर सकते थे, जिस तरह से भी बात का समझौता निकल सके उसका हर प्रयास किया। आज भी उसी प्रयास में हूँ, तो देखिए अगर कुछ हल निकल जाए तो अच्छा है, कोई समाधान अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है।
अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को, चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो जो एनसी की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजक ही करता है, तो क्या उस दिन का किस तरीके से काम होगा बैठक का, अगर आप कुछ बता सकें? नहीं, अगर ये तय होता है कि राष्ट्रीय संयोजक को अध्यक्षता करनी है तो करेंगे राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्षता, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आनी है या कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है मुझे लगता है। धन्यवाद। यह है संजय सिंह जो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में जो एक उठापटक चल रही है उस पर निश्चित तौर पर उसे लेकर के चिंतित हैं, हालांकि खुलकर अभी बोलने से बच रहे हैं। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली IVM7।